कार्तिक के महीने में हिंदू परिवारों के द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले भादो के महीने में मुस्लिम परिवारों के द्वारा भी बिहार में एक ऐसा ही त्योहार मनाया जाता है जो छठ से काफी मिलता जुलता है। हालांकि इसमें भगवान सूर्य की उपासना तो नहीं की जाती, परंतु इसमें भी लोग नदी घाट पर जाते हैं और जाकर समुद्र की आराधना करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। जमुई जिले में पिछले कई दशकों से यह त्योहार मनाया जा रहा है, जिसे खाद खिदर के नाम से जाना जाता है, और इसमें पूरा गांव इकट्ठा होकर नदी के किनारे पहुंचता है। ये पर्व जो है हम लोग खाद खिदर के नाम से जानते हैं, और हम लोगों के जो पैगंबर थे हजरत खिजराइल अलैहि सलाम, उनके नाम से ये फातिया दिया जाता है। और ये फातिया जो है आपको समुद्र, पहले के जमाना में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं होता था इस पार से उस पार जाने के लिए, और बारिश के दिन में जब सावन का महीना, भादों का महीना जब आता था तो नदी वगैरह बहुत उफान पर चढ़ जाता था, तो उस समय में लोग नाव से इस पार से उस पार जाते थे, तो लोग फातिया देते थे इसलिए कि हम जब नाव का सफर करें तो सही सलामत पैगंबर साहब के दुआ से, ऊपर वाले के करम से सही सलामत हम लोग नाव चढ़ करके पार हो जाएं। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि इस त्योहार में हजरत पैगंबर की इबादत की जाती है और उनसे सलामती की दुआ मांगी जाती है। इस दौरान लोग नदी में कागज की नाव भी बहाते हैं तथा इमाम के द्वारा हजरत पैगंबर के नाम से फातिया पढ़ा जाता है। इस त्योहार को खाद खिदर के नाम से जाना जाता है तथा मुस्लिम समुदाय के लोग इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते आ रहे हैं। जम्मू जिले के गिद्धौर प्रखंड क्षेत्र में यह त्योहार पिछले कई दशकों से मनाया जाता रहा है। वो देखिए सब ये औरत का ये है, औरत रोजा रखते हैं, दिन भर सहते हैं, उसके बाद ये घाट जो है घाट पर जा करके लोग जब शाम का अजान होता है उसी समय ये फातिया होता है और नाव उसमें दिया रख करके उसको भसाया जाता है। ये स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह त्योहार भादो के महीने में मनाया जाता है तथा भादो महीने की किसी भी गुरुवार को यह त्योहार मनाया जाता है। हालांकि पहले पक्ष में इसे नहीं मनाया जाता है और पिछले पक्ष तक का इंतजार किया जाता है। उन्होंने बताया कि पूर्व के जमाने में जब नदी पार करने के लिए पुल पुलिया और वाहन नहीं थे, तब लोग नाव से या तैर कर नदी पार करते थे, तब अपनी सलामती की दुआ के लिए हजरत पैगंबर को इबादत करते थे, और तभी से खाद खिदर मनाने का यह सिलसिला लगातार जारी है और आज भी लोग इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। जमुई के मुस्लिम परिवारों के द्वारा मनाया जाने वाला यह त्योहार अपने आप में काफी खास है तथा पूरे बिहार में मनाया जाने वाला यह इकलौता पर्व है। जमुई से लोकल टीम के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।